दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अभी घटना स्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ हूं। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद, और यहां जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे। अभी मैं रात में लगभग 12 बजे पहुंच गया था देहरादून, जितने जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही। मैं आभारी हूं स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहां नीचे बिखरे हुए थे रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। लगभग 10-10:30 बजे के आसपास वहां पहुंच जाएंगे। वहां एमवॉर्मिंग जल्दी करा के हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ससम्मान घर पहुंचाएं। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने आग्रह किया कि बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। एयरफोर्स का विमान तीर्थयात्रियों के सबको लेने 2 बजे जॉली ग्रांट में होगा। वहां बाकी औपचारिकता पूरी करके एयरफोर्स के विमान से उन सबको खजुराहो एयरपोर्ट हम उतारेंगे और खजुराहो में हमारी गाड़ियां तैयार रहेगी, जहां से उनके गांव, जो वहां से खजुराहो से 1 घंटे के रास्ते पे है, उनके गांव पहुंचाएंगे। और कोशिश ये होगी कि आज ही ससम्मान अंतिम संस्कार कर लिया जाए। रात को कंट्रोल रूम में भी मैं बैठा था, वहां से भी हमारी आपदा प्रबंधन जो रूम है यहाँ का व्यवस्था है उसमें भी मैं गया था। अस्पताल हम गए, अस्पताल में ड्राइवर सहित 3 लोग और भर्ती हैं, अभी 3 स्थिर है। मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हर संभव प्रयास ये कर रहे हैं कि वो बचें और स्वस्थ होके वापिस जाएं। ड्राइवर से भी जो चर्चा हुई थी उस चर्चा के आधार पर ड्राइवर ने भी ये कहा कि स्टेयरिंग फेल हो गया था और इसके कारण पहले उसने बस पहाड़ की तरफ टकराने की कोशिश की लेकिन वो खाई में गिर गया। अब जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उसके तथ्य बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी तो हमारी कोशिश ये है कि हम बाकी यात्रियों को सुरक्षित करें, जो उनके परिजन और उनके साथी जो दूसरी बस में थे वो मेरे साथ हैं, और उनके साथ साथ पार्थिव शरीर गांव पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी मैं आभारी हूँ, उन्होंने लगातार, प्रधानमंत्री जी ने राहत देने का भी व्यवस्था की है और राहत के कार्यों की खुद निगरानी की है, और मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जो नहीं रहे हादसे में उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की राहत राशि, घायलों का इलाज तो हो गई लेकिन 50,000 रुपए की राशि और उनको देंगे, ससम्मान घर पहुंचाएंगे। बाकी तीर्थयात्रियों का भी हम ध्यान रखेंगे, यथासंभव जो बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने तत्परता पूर्वक सारे राहत और बचाव के कार्य किए हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम तत्काल काम में लग गई थी, इसलिए रात के अंधेरे में भी खाई से लोगों को निकाल के लाना हमारे लिए बहुत राहत की बात है।